तो गाइज अगर आप लोग भी इस तरह का मुंडी को बुलवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस तरह का मुंडी को बनाकर आप लोग एकदम सेगमेटिक का एकदम कार्टून वीडियो बना सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग को जाना होगा प्ले स्टोर में। मोबाइल स्क्रीन पर प्ले स्टोर पर आपको कुछ इस तरह का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है MUGLIFE। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 3D फेस एनिमेटर, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है और मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोग को कैसे सब कुछ करना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड हो जाने के बाद आपको फिर एक बार यहाँ पे क्लिक करना है और सर्च इमेज लिखकर और इसको भी आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आया है। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्च बार पर क्लिक करके और यहाँ पे आएंगे इमेज सर्च को ओपन कर लेंगे जो हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड किए थे। अब आप लोगों को जो भी हीरोइन का जो भी मंत्री का अगर आप लोग को मुंडी को सिर्फ मुंह को बुलवाना है तो आप लोग इस पर सर्च करिए। सर्च करने के बाद आप लोग उसका नेम लिखिए और उसका इमेज को डाउनलोड करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोदी और सर्च कर फोटो यहाँ पर लिख चुके हैं तो यहाँ पर लिखना है मोदी और सर्च करना है। अब यहाँ पे मोदी जी का इस तरह से इमेजेस आ चुका है। आप लोग कोई भी इमेज को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इस वाले इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ से हम लोग बैक आएंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ब्राउजर का, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस इसी तरह से फॉलो करिएगा और आसानी से आप लोग अपने किसी भी फोटो के मुंडी को बुलवा सकते हैं। तो गाइज हम लोग ब्राउजर में आने के बाद सर्च और टाइप ही व्हाट इज, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पे रिमूव लिखिएगा, रिमूव BG, ठीक है, और सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद आप लोगों को एक अपलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद गाइस हम लोग इस वाले इमेज को लेंगे और ऊपर में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ इतना से वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग को इन्फॉर्मेटिव रहेगा वीडियो। आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे एराइज रिस्टोर का मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे हम लोग इमेज को थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे ब्रश वाले साइज को बड़ा करेंगे और यहाँ से रिमूव करेंगे इस तरह से। देखिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ बस इसी तरह से आपको भी करना है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे रिमूव कर चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा से आप लोगों को और यहाँ पे करके अपने हिसाब से थोड़ा से और इसको डाउनलोड करना है। जो आपको ऊपर में एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग गाइस सबसे पहले यहाँ से बैक आएंगे, फिर हम लोग सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग फनी लिखेंगे, फनी कॉमेडी लिखना है, ठीक है, कॉमेडी और सर्च करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का फनी वाले बहुत सारे इमेज देखते होंगे, आप लोग बस इसी वाले इमेज को ले लेना है। तो हम लोग जैसे कि ये ले लेते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे आप लोग देखते हैं कि इस तरह का जो फनी होते हैं लोग बना देते हैं, तो इनमें से हम लोग कोई दूसरा करेक्टर लेते हैं। ये करेक्टर ले लेते हैं और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से बैक और बैक जाने के बाद गाइज आप लोगों को अब इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है पिक्सल लैब। ये पिक्सल लैब को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ बस इसको आप लोग फॉलो करते रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देना है आपको, आपको उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और इमेज साइज़ पर आकर YouTube का साइज़ यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे YouTube का साइज़ हो चुका है। अब उसके बाद हम लोगों को उस वाले बैकग्राउंड को लेकर आना है, राइट। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तीसरे वाले स्थान पर। तो गाइस हम लोग को तीसरे वाले स्थान पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इस वाले इमेज को लेंगे और इसको बड़ा करेंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर क्लिक करके लॉक कर देंगे इसको।
अब उसके बाद फिर इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक बार मुंडी को लेंगे हम लोग, इसलिए मुंडी को ले लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ा से इस तरह से साइज को क्रॉपिंग करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और आप लोगों को इसलिए मुंडी को जहाँ पर भी बुलवाना है बस उसको लगा दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ सही तरीके से। फिर कॉपी करना है और यहाँ पर भी आप लोग लगा लीजिए। यहाँ पे अलग अलग फ़ोटो को आपको इसी तरह से करना है, हम एक ही सिर्फ बताने के लिए आप लोग को ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे। ऊपर क्लिक करिएगा, सेव इमेज पर आइएगा, यहाँ से हम लोग अल्ट्रा कर लेते हैं। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब आप लोगों को कैसे इसको बुलवाना है, अब उसके लिए हम लोगों को चलना होगा मग में, ठीक है। यहाँ पे नीचे होगा एम, कुछ इस तरह का इसका लोगो भी दिखता है 3D का, ठीक है, ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस पर क्लिक करिएगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस इसको आप लोग देखते रहिए, ये वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट का होगा लेकिन आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सारा कुछ आप लोग को एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर नेम वेम लिखेगा बोलने के तो नेक्स्ट कर देना है फिर से। गेस्ट यहाँ पे आईडी बन रहा है तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, कंटिन्यू करिएगा, यहाँ पे स्किप ऊपर कर दीजिए स्किप, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन आपको ये शो होता है राइट, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये जो फोटोज, इस पर क्लिक करिएगा, नेक्स्ट करिएगा, कंटिन्यू करिएगा, कंटिन्यू ऊपर क्लिक करिएगा और मैं अब यहां से अपनी फ़ोटो को सिलेक्शन करूंगा यहां पे मग पर, जैसे जैसे यहां पे बता रहा बस उसको आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए, पहले एकदम प्रोसेस करना होता है। उसके बाद फ़ोटो वाले सेक्शन पर आकर यहां पे हम लोग आते हैं और यहां पे अलाव क्लिक करके यहां से उस वाले हम लोग ये वाले जो लगाए हैं मोदी जी वाले फ़ोटो और एक कॉमेडी वाले इमेज पर उसको हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये बोलना शुरू कर देगा, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पे ट्रेंडिंग जो चल रहा है उसको हम लोग लेंगे। ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पर आइए और ई वाले सेक्शन को ले लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा मुंडी कुछ इस तरह का बोलना शुरू कर दिया है। अब इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे वीडियो में, और इसको आप लोग जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, इस सेव हो चुका है। अब उसके बाद इसके लिए आप लोग को कोई भी पावर डायरेक्टर या पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोग को पावर डायरेक्टर को ओपन कर लेना है। ये काम आप लोग काइनमेटर में भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर आइएगा और यहाँ पर पहला वाला रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद फ़ोटो पर क्लिक करिएगा, ये फ़ोटो ऑल है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये वीडियो आ चुका होगा, नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये बोलना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों को क्या करना है कि इसको लंबा कर देना है, अगर लंबा नहीं होता है तो आप लोग इसको डुप्लीकेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट काम आपको करना है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक कैरेक्टर को बुलवाना है आपको, तो उसके लिए फिर आप लोग को यहाँ पे आना है फ़ोटो लेक्शन पर और यहाँ से फ़ोटो को आप लोग को ले लेना है, जो भी आप लोग फ़ोटो सेव करे हैं पिक्सल लाइन में उसको। मैं यहाँ पे आता हूँ पिक्सल लाइन में और इस वाले को हम लोग ले लेते हैं ताकि ये वीडियो है तो वीडियो चलेगा, और हम लोगों को यहाँ पर इस तरह से कर देना है और उसके बाद मास्किंग करना है। ये मास्किंग पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर मास्क करेंगे, तो हम लोग कितना मास्क करेंगे, वो मान लीजिए एक कैरेक्टर को बुलवाना है या दो को, मान लीजिए एक को। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, अब एक बार देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे एक कैरेक्टर बोल रहा है, ठीक है। उसी तरह से फिर आप लोगों को इसको डुप्लीकेट कर देना है, डुप्लीकेट करने के बाद नीचे आपको ले जाकर रख देना है और आप लोग को अब उसके बाद इसको बुलवाना होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पूरा करेंगे और उसके बाद फिर इसको भी मास्क करेंगे, यहाँ पे मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हम लोग इसको मास्क कर देते हैं इस तरह से, अब ये बोलना शुरू कर देगा, देखिएगा कैसे। तो यहाँ से हम लोग इसको लेते हैं, यहाँ तक ये बोलेगा, उसके बाद
यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गाइस, ठीक है, बोलना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग मतलब कैरेक्टर को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मेरा और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि कैसे आप लोग कहानी बना सकते हैं, कैसे सिनेमैटिक से इसको